हेलो फ्रेंड्स, खमागणी कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं जाने वाली हूँ सुरभि पैसा की शॉप ओपनिंग होने वाली है, तो वहाँ पे आई थिंक गोकुलपुरा है वो जगह। वैसे मैं जाऊँगी तो ही मुझे पता चलेगा प्रॉपर कौन सी जगह है क्या। तो बस वहाँ जाने वाली हूँ। काम वहाँ वैसे फिनिश हो चुका है, तो अभी होंगी रेडी और उसके बाद जाऊँगी सुरभि पैसा के। रेडी तो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा रेडी नहीं, नॉर्मल कोई भी सूट, 4 मीटर सूट और उस पर नॉर्मल प्योर की ओढ़नी जो मैं घर पर ओढ़ा करती हूँ, उनमें से ही कुछ ओढ़ूंगी। मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि शॉप ओपनिंग में तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, तो सिंपल सा कुछ सूट पहन लेते हैं और फिर रेडी होते हैं और फिर चलते हैं जल्दी से। तो मैं जाती हूँ रेडी होने। हरे ही ओम नमः विष्णु 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 श्रीमद्भगवते महापुरुषोत्तमराज्याखंडे। अपना ब्लॉग और बताओ। तो खा गए भाभी सा खमागिनी। यार मुझे गोली पसंद है, मेरे को नहीं पसंद है इसे लंबे लंबे लगाओ ना, अच्छा लग रहा है लंबे लंबे। देख मेरे देख ना सिटी में से। ओ माय गॉड, ते बिंदी को लगा रहा है ना जड़ा होगा, ठीक काम होगा बिंदी वालों लंबो बिंदी को मॉडर्न भाया बिंदी को लगावे ये मोने बिंदी तो लगा लिया क्या लगाती हूँ मैं बिंदी। अच्छा आप इनमें नहीं लगाते? मैं तो चाहे जीन्स पहन लो चाहे मेरे को शॉर्ट्स पहना दो, पर मैं बिंदी नहीं छोड़ती। बिंदी लगाती हूँ मैं, चाहे छोटी सी लगाओ पर मैं बिंदी तो हमेशा रखती हूँ। बिंदी बिना है ना, मेरे को तो शादी से पहले की फोटो देखती हूँ तो इतनी गंदी लगती है कि बिंदी बिना फेस कैसा लगता था, अजीब लगता है फेस ही। आदत हो गई बिंदी की, बिंदी बिना नहीं रह सकती। सब में मैं भी यहाँ दुकान लूटने की बातें हो रही है भाई, कौन लूट रहा है इनकी दुकान लूटने वाला ही है एक हटे वो लूटवा दे वाला चक्कर में मत रहना आप लोग। सही है, और क्या खुद ही इनवाइट कर लूं और क्या। ये हमारी मोनिका है और ये सारा नाश्ता, ये नाश्ता ले लिया है सारा। यहाँ हम लोग सब कर रहे हैं नाश्ता, समोसे वेफर्स एंड ऑल, और साथ में चल रही है बातें, बहुत सारी बातें जिसमें इंस्टा यूट्यूब और भी नॉर्मल बातें, बस यही सब चल रही है हम सब की। तो कर रहे हैं सब मज़े। शोभा भाई साहब, कपड़े दिखा रहे हो क्या? नहीं कपड़े ले रही हूँ आज आज किसी आज दूसरे की दुकान पे हूँ। हाँ आज आज लेने आई हूँ हमेशा बेचती हूँ और क्या, आज ले रही हूँ कपड़े। तो सुरभि की शॉप में बहुत ही प्यारे प्यारे सूट आए हुए हैं, केडाइज के लेने हो तो आ जाना, मैं भी ले रही हूँ। कहाँ पे है शॉप सुरभि भाई साहब? दिव्य क्रिएशन, बिल्कुल देखो सर लाग रहे कपड़ा खरीदो हम गर्मी में ले रही है ये। फाइनली मिल गया केसरिया ओके बाय सा बाय बाय दोनों भाई सा लोगों मुझे भी कर लो बाय बाय उनको दो। यार कुछ आपकी शॉप ओपन हुई है? नहीं नहीं ऐसे क्या कर रहे हो?
अभी लेके गए ना, अभी दोबारा आए लेने के लिए सेकंड बार। एक्स्ट्रा बच्चे में दे दो ना यार, आप लोग फेंकोगे। ये देखो देरी है भाई ना, फिर वो पड़ा रहेगा। मेरी चाबी इनके पास, रुको। ये देखो प्रीति भाई मेरी चाबी लेके जाने वाले थे यार, लेना चाहते हो आप लोग? बिल्कुल। ये क्या बात की आपने? आप नहीं, आप लोग उभरते हुए सितारे हो, हम लोगों को आपके साथ लेनी चाहिए यार। नहीं और आओगे सही में, अच्छा है, आना भी चाहिए। हमेशा वो कहते हैं ना पुराने वाले नहीं चल सकते यार, नए को आना चाहिए। सही भी है, बहुत सही है। हाँ ओके बाय बाय। बहुत देर अपन ने बातें कर ली यार, बाहर खड़े खड़े ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हमें भी चलते हैं यार, आप टावरन भी संभाला है ना। हाँ तो चलते हैं भाई हम लोग। ओके प्रीति भाई सर बाय बाय, ये रही यही है बाय। प्रीति भाई सर के शॉप ओपनिंग में जाके वापस आ चुके हैं हम। मज़ा आया काफ़ी, सब लोगों से मिलिए, बहुत सारी बातें बातें हो गई। तो बस अभी जस्ट घर पहुँची हूँ, हम बनाते हैं खाना। पहले चेंज करूँगी फिर खाना बनाऊँगी। ये देखो भाई मेरा बच्चा, बेटा ये टीवी क्यों चल रहा है अगर तू सो रहा होता तो? पापा झूठ बोल रहा है ना, ये लड़का मस्त टीवी देख रहा था अपने पापा के साथ में, और मेरे आते इसके पापा भाग गए बाहर, क्योंकि उनको बड़ा ही लग रहा था कि मुझे घर पे रहना पड़ रहा है संडे को, तो बस भाग गए वो बाहर घूमने फिरने। और ये बच्चा भी ट्यूशन व्यूशन तो पढ़ गया आज का ना। ट्यूशन नहीं है कुछ होगा? नहीं बेटा पापा घर पे ही, ऐसा हो नहीं सकता उसे ट्यूशन ना भेजे। सही में नहीं गया सही बता, नहीं सकते हैं। नहीं कुछ पता कि कोई नहीं डूब सकता। ऐसा क्या? तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं काबू? वो तो मिलता नहीं है ना इजीली कहीं पर, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आइसक्रीम खिला दूंगी। बर्फ के गोले का मैं नहीं कह सकती, तो चले अंदर तक स्विमिंग पूल बना है, बहुत बहुत सारी एक्टिविटी है। मैं अभी बताए वो देख के आई हूँ तेरे लिए, स्केटिंग वाला एक यहाँ पे पास में ही जगह है, वहाँ पे स्केटिंग सिखाते हैं बच्चों को, तेरा उसमें करवा दें। अरे नहीं क्यों, तेरे अब तक खुद मेरे लिए स्केटिंग। अरे तो सीख लेना पहले, तो अच्छे से चला पाएगा। ले अभी तो चलते हैं मंदिर, फिर करेंगे बात। हम दोनों ने दर्शन कर लिए हैं महादेव के, ऐसा मैंने मन में चल रही थी, मैंने वो ही किया शॉर्टकट से निकल लिया। अरे वाह यार, इसलिए तो आपसे पहले बना मैं। पहले तो मैं क्या बात कर रहा था, क्या हम लोग मंदिर गए थे, मंदिर से आ रहे थे, गए थे क्या? अभी मंदिर में ही है अपन, अंदर मंदिर के अंदर, ऐसा बाहर जा रहे हैं। ठीक है, आराम से गाड़ी है। एक जगह जहाँ मिट्टी 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 है, वहाँ आगे थे मैं पीछे था, तो मम्मा से पहले पहुँचने के लिए शॉर्टकट से निकल लेता। वाओ कितना सोचते हो आप। जमीन भी थी ओके, और ना मम्मा सीढ़ियों से आ रही थी, उससे पहले मैं ना भाग के पहुँच गया। वाओ हम आ गए स्कूटी के पास, यही है हमारी स्कूटी। मंदिर से मैं आ गई हूँ वापस, अब बस कपड़े चेंज करूँगी
साढ़े आठ हो गए हैं वैसे, और अभी तो देखती हूँ, खाना भी नहीं बनाया यार क्योंकि मैं वहाँ से आई, मैंने कहा मैं खाना वाना बनाऊँगी, मंदिर जाके आई हूँ, अब देखती हूँ कुछ बनाती हूँ। और आज वैसे काकी साहब अनुराधा वो लोग भी नहीं है, मैं कावी भाई साहब और हम लोग ही हैं, तो बच्चे लोगों को तो अभी तो आइसक्रीम खिलाई है, और देखते हैं क्या बनाते हैं या बाहर से कुछ मंगाते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुकी हूँ, और मोस्टली लेट होने के बाद तो हम लोग कुछ मंगा ही लेते हैं, तो देखते हैं क्या करती हूँ, अभी पतिदेव से बात करते हैं वो क्या खाने वाले हैं, उस अकॉर्डिंग से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, और देखते हैं मेरा 10 डे का जो चैलेंज है मेरा कि मैं 10 दिन लगातार व्लॉग डालने वाली हूँ, मैं कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि आपको बताइए मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ 10 दिन के लिए कि मैं 10 दिन प्रॉपर फिक्स टाइम पे व्लॉग डाल पाऊँ, तो देखते हैं कब तक होता है ये, कब तक चलता है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।